नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का साइबर आप सोल्यूशन में। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पेटीएम फर्स्ट क्रेडिट कार्ड के बारे में कि पेटीएम फर्स्ट क्रेडिट कार्ड क्या है, इस कार्ड को कैसे अप्लाई करते हैं, इस कार्ड से आपको क्या क्या बेनिफिट मिल सकता है और पेटीएम फर्स्ट क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स के बारे में। तो ये सब कुछ जानने के लिए पूरी वीडियो को आखिर तक देखते रहिए, कोई भी स्टेप मिस मत कीजिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, अगर आप लोगों को पेटीएम फर्स्ट क्रेडिट कार्ड अप्लाई करना है तो उसके लिए सबसे पहले आपको पेटीएम एप्लीकेशन ओपन करना होगा और सबसे ऊपर थ्री डॉट पे क्लिक करना होगा। आपको यहाँ पे मिल जाएगा पेटीएम फर्स्ट कार्ड का ऑप्शन, इसके ऊपर आपको क्लिक करना होगा। जैसे आप इसमें क्लिक करोगे आपके सामने ये पेज ओपन होगा और आपको यहाँ पर पेटीएम फर्स्ट क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन मिलेगा। तो मैं एक चीज क्लियर कर दूँ, जो लोग सोच रहे हो कि पेटीएम अपने यूजर्स को क्रेडिट कार्ड बना के दे रहा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप सिर्फ पेटीएम के प्लेटफॉर्म से क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हो। क्रेडिट कार्ड आपको पेटीएम नहीं बल्कि सिटी बैंक देगा। सिर्फ आपके क्रेडिट कार्ड के ऊपर पेटीएम का नाम होगा क्योंकि सिटी बैंक के साथ पेटीएम का टाई अप है। जैसे SBI का FBB कार्ड होता है, IRCTC कार्ड होता है, RBL बैंक का बजाज कार्ड होता है, बुकमाइशो कार्ड होता है, महिंद्रा कोटक बैंक का PVR सिनेमा कार्ड होता है और सिटी बैंक का इंडियन ऑयल कार्ड होता है। वैसे ही सेम सिटी बैंक का एक नया कार्ड आएगा जिसमें नाम होगा पेटीएम फर्स्ट और इस कार्ड को आप सिर्फ पेटीएम के एप्लीकेशन से ही अप्लाई कर सकते हो और ये कार्ड सिर्फ पेटीएम के यूजर्स को ही मिलेगा। लेकिन अभी इस कार्ड को हर कोई अप्लाई नहीं कर सकता क्योंकि पेटीएम ने सिर्फ लिमिटेड यूजर्स को ये ऑफर दिया है। जैसे कि मेरे अकाउंट पे अप्लाई नाउ का ऑप्शन शो नहीं हो रहा है। अगर आपके अकाउंट में अप्लाई नाउ का ऑप्शन शो हो रहा है तो आप अप्लाई नाउ पे क्लिक करके इस कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हो। लेकिन कार्ड अप्लाई करने से पहले ये वीडियो आखिर तक जरूर देखना। दोस्तों, आप बात करते हैं इस कार्ड को अप्लाई करके आपको क्या क्या बेनिफिट मिल सकता है। तो सबसे पहले आपको पेटीएम की तरफ से पेटीएम फर्स्ट मेंबरशिप बिल्कुल फ्री मिलेगा जो कि 750 रुपये का आता है और इसके लिए आपको कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज नहीं देना होगा। फ्री में आपको पेटीएम फर्स्ट मेंबरशिप मिल जाएगा। और सेकंड बेनिफिट मिलेगा आपको 1% का कैशबैक एवरी ट्रांजेक्शन पे। जब भी आप कोई भी ट्रांजेक्शन करोगे अपने क्रेडिट कार्ड से तो आपको हर एक ट्रांजेक्शन के लिए 1% का कैशबैक मिलेगा आपकी स्टेटमेंट पे। आप मान लीजिए आपने पूरे महीने में अपने क्रेडिट कार्ड से 50,000 रुपये यूज़ कर लिया है तो जिस दिन आपका स्टेटमेंट जनरेट होगा उस दिन आपको अपने स्टेटमेंट पे 500 रुपये का कैशबैक मिल जाएगा। और तीसरा बेनिफिट आपको सिटी बैंक की तरफ से मिलेगा शॉपिंग करने पर। जब भी कोई एप्पल का न्यू फ़ोन लॉन्च होता है तो सिटी बैंक के कार्ड के ऊपर एक कैशबैक स्कीम आती है। किसी किसी मॉडल पर 8,000 रुपये कैशबैक, किसी किसी मॉडल पर 10,000 रुपये कैशबैक। तो अगर आपके पास सिटी बैंक का क्रेडिट कार्ड होगा तो कभी ना कभी अगर आप एप्पल का न्यू फ़ोन परचेस करोगे तो शायद आपको वो कैशबैक मिल जाए। तो अगर आपको ज़रूरत है सिटी बैंक के क्रेडिट कार्ड की तो आप पेटीएम के थ्रू अप्लाई कर सकते हो। अगर आपको ज़रूरत नहीं है, आपके पास ऑलरेडी दूसरे बैंक का क्रेडिट कार्ड है तो फिर अप्लाई मत करो क्योंकि इस कार्ड के लिए आपको एनुअल फी 500 रुपये देना होगा। अगर आप पूरे साल में 50,000 रुपये यूज़ कर लोगे तो फिर आपको कोई भी एनुअल फी नहीं देना होगा, आपका कार्ड 1 साल के लिए फ्री हो जाएगा। अगर आपके अकाउंट में अप्लाई नाउ का ऑप्शन आ रहा है तो आप अप्लाई नाउ पे क्लिक करके अपनी पर्सनल कुछ डिटेल्स फिल करके एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं। एप्लीकेशन सबमिट होने के बाद आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट होगा या फिर अप्रूव होगा। तो किस किस वजह से आपका एप्लीकेशन अप्रूव होता है और किस रीजन की वजह से एप्लीकेशन रिजेक्ट होता है मैं आप लोगों को आज फिर से बता देता हूँ। इससे पहले भी मैं आप लोगों को बहुत बार बता चुका हूँ अपनी पुरानी वीडियो में। तो जब भी आप किसी भी कंपनी का लोन या फिर क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करते हो तो सबसे पहले आपका सिबिल स्कोर चेक होता है, उसके बाद आपका इनकम सोर्स, उसके बाद आपका एड्रेस। ये तीनों चीज़ें अगर ठीक है तो आपका एप्लीकेशन अप्रूव हो जाता है। अगर इन तीनों में से कोई भी एक चीज़ कम है तो आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दिया जाता है। तो सिटी बैंक क्रेडिट कार्ड अप्लाई करने के लिए आपकी एज मिनिमम 21 साल होना चाहिए, आपका सिबिल स्कोर 700+ होना चाहिए, आपकी मंथली इनकम मिनिमम 20,000 रुपये होने चाहिए और आपका एड्रेस किसी मेट्रो सिटी या शहर का होना चाहिए, गाँव का नहीं होना चाहिए। तो अगर आपने पेटीएम फर्स्ट क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई किया है और आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाता है तो आप समझ लेना इन चारों में से कोई भी एक चीज़ आपका कम है। तो मुझे उम्मीद है आप लोगों के मन में जो भी डाउट था वो सब कुछ क्लियर हो गया होगा। अगर आपको अभी भी कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट करके मुझे पूछ सकते हो, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूंगा। तो बस आज के लिए इतना ही था, मुझे उम्मीद है मेरा ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में।